नेक्स्ट कंटेंट यहाँ तक एडिट का देखेंगे, व्यू एडिट का कंप्लीट कर लिया था, व्यू का कंप्लीट कर लिया था, व्यू में देखेंगे हमने शो वाइट स्पेस या शो ट्रैक चेंजेस तक हो गया था। नेक्स्ट आता है कमेंट, रीसॉल्व कमेंट होता है, जब पेज पर कोई भी कमेंट लगा होगा जैसे कि यहाँ पर हमने सिलेक्ट किया एंड देन इस लाइन पर हम कमेंट देना चाहते हैं, इस लाइन पर हमने कमेंट दिया, इस लाइन पर हमने मान लीजिए कमेंट दिया, यहाँ पर कमेंट सिलेक्ट करेंगे, ये देखेंगे कमेंट हमारे सामने होगा जिसमें कि ये देखेंगे हमारे सामने ये कमेंट लिखने के लिए बोल रहा है। अब इस कमेंट में देखेंगे यहाँ पर देखेंगे रीसॉल्व कमेंट होता है और कमेंट होता है, कमेंट पे टिक हटा दिया तो क्या हो गया, कमेंट यहाँ से हट जा चुका है, ठीक है ना। अगर रीसॉल्व पर क्लिक करेंगे तो फिर एडिट करने के लिए ऑप्शन आएगा, जैसे कि यहाँ पर देखेंगे फिर से दोबारा से कमेंट ला लें, यहाँ पर देखेंगे कमेंट फिर से सिलेक्ट करेंगे और फिर उसके बाद यहाँ पर क्लिक कर लें, कुछ भी लिख लें, ठीक है ना, दिस कुछ भी लिख लिया और फिर उसके बाद अगर इसे रिसॉल्व करना चाहते हैं तो रिसॉल्व ऑप्शन आएगा, यहाँ पर क्लिक करोगे दोबारा से एडिट करने का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है ना। और हटाना चाहते हैं तो यहाँ पर टिक हटा दें और यहाँ से कॉमेंट को हटाया जा सकता है, ठीक है ना, यहाँ पर क्लिक हटा दिया, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं तो आगे देखेंगे नेक्स्ट होता है पेज सेटिंग, पेज सेटिंग का शॉर्ट की जो होता है वो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, पेज सेटिंग का शॉर्ट की कंट्रोल प्लस एफएट होता है। पेज सेटिंग क्या होता है कि जैसे हमने क्या किया, जो फील्ड से डेटा इंसर्ट किया उसको सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पर देखेंगे हमने क्या किया, फील्ड से यहाँ पर डेट इंसर्ट कर लिया, चलिए यहाँ पर डेट इंसर्ट हो गया और फिर उसके बाद इसी में जाकर के डेट इंसर्ट करने के बाद यहाँ से जाकर के टाइम इंसर्ट कर लिया, टाइम और डेट इंसर्ट कर लिया। अब इसे क्या करना चाहते हैं, इसको हम सेलेक्ट करना चाहते हैं तो फील्ड सेटिंग पे क्लिक करेंगे, ये देखेंगे कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा, मतलब फील्ड से जो डेटा लिखा गया है वो सिलेक्टेड फॉर्म में होगा, मतलब वो कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। अच्छा, अगर इसे कॉमन करना चाहते हैं तो फिर इसी को सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद इसी ऑप्शन में जाएंगे और फिर यहाँ पर दोबारा से क्लिक कर देंगे तो ये कॉमन दिखाई देगा। अच्छा, फिर उसके बाद यहाँ पे फील्ड में आपको फील्ड से हमने क्या इंसर्ट किया, यहाँ पर डेट इंसर्ट किया और यहाँ टाइम इंसर्ट किया। अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पर जहाँ डेट लिखा गया है वहां पर डेट लिखा हो और जहाँ पर टाइम लिखा है वहां टाइम लिखा हो, ऐसा करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर जाने के बाद यहाँ पर क्लिक कर देंगे फील्ड नेम, फील्ड नेम भी एग्जाम में पूछा जाता है, फील्ड नेम का शॉर्ट की, ठीक है ना, तो कंट्रोल प्लस F9 होता है और यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो जहां पे टाइम था टाइम की जगह टाइम लिख गया, डेट की जगह डेट लिख गया, ठीक है, ओके। अगर फिर इससे पहले जैसा करना है तो फिर हमको उसी ऑप्शन पर जाना पड़ेगा और इस पे टिक हटाना पड़ेगा, ठीक है ना, यहाँ पर क्लिक हटा दिया। अब फिर उसके बाद यहाँ फील्ड हिडन पैराग्राफ होता है, देखेंगे कुछ इस प्रकार से डेटा बदल जाएगा, अपडेट हो जाएगा, कंट्रोल जेड करेंगे तो वापस पहले जैसा हो जाएगा, यानी कि ये फील्ड से रिलेटेड ये तीन ऑप्शन है जो फील्ड से रिलेटेड है, यहाँ पर क्लिक किया देखेंगे कुछ ऐसा दिखाई देगा। फिर उसके बाद साइड बार, अगला ऑप्शन होता है साइड बार, ये फील्ड से रिलेटेड हो गया, तीनों ऑप्शन फील्ड से रिलेटेड होते हैं तो पहले आप यहाँ से फील्ड का कोई मटेरियल यहाँ से इंसर्ट कर लीजिए, टाइम डेट कुछ भी इंसर्ट कर लीजिए, फिर वहां पर जाइए तो काम करेगा यानी वर्क करेगा। ऐसे ही इसमें जो पहले हमने बताया कॉमेंट, अगर कमेंट यहाँ पर पेज पर नहीं लगा होगा तो ये वर्क नहीं करेगा और ये दिखाई नहीं देगा, विजुअलाइज नहीं होगा, काम नहीं करेगा। आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे नेक्स्ट क्या है साइड बार, साइड बार की अगर बात करें तो साइड बार ये होता है, इसको साइड बार बोलते हैं, ये साइड बार है और यहाँ से आप क्या करते हो, सिंपली यहाँ से क्लिक करते हो तो ये ऑप्शन खुल जाता है, फिर क्लिक किया क्लोज हो गया, फिर यहाँ पर क्लिक किया तो ये सारे ऑप्शन खुल जाते हैं, ऐसे ही गैलरी पर क्लिक किया तो गैलरी ऑप्शन खुल जाता है, यहाँ पर क्लिक करोगे नेविगेटर होता है जिसे एक पेज से दूसरे से एक पेज में से दूसरे पेज में या एक सेव से दूसरे से बहुत सारी चीजें दी गई हैं, मतलब इतने सारे कंट्रोल दिए गए हैं, चाहे जिस पर भी क्लिक करिए और उसी के अकॉर्डिंग चीजों को फॉलो कर लीजिए, ठीक है। यहाँ से नेविगेटर का इस्तेमाल करते हैं और फिर उसके बाद यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन और भी दिए हैं, उनको सबको भी हम यहाँ से यूज करते हैं। अच्छा, वही चीज यहाँ दिया गया है,
अगर साइड बार पे टिक यहाँ से हमने हटा दिया, इसका शॉर्ट की एग्जाम में पूछा जाता है, ओ लेवल के एग्जाम में जनवरी वाले पेपर में पूछा गया है। साइड में देखेंगे कंट्रोल प्लस F5, यहाँ पर क्लिक करते हैं, देखेंगे साइड बार यहाँ से हट चुका है, मतलब ये दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे ही क्या करना चाहते हैं, साइड बार दोबारा से दिखाना चाहते हैं तो दोबारा से ला सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पर साइड बार का स्टाइल है, स्टाइल ऑप्शन को आपको हाइड करना है या शो कराना है, तो स्टाइल यहाँ से भी क्लिक करने पर शो करता है और यहाँ से भी क्लिक करने पर शो करेगा। आप चाहें तो यहाँ से शो करा दें और यहाँ से क्रॉस करा दें। फिर उसके बाद यहाँ पर जाकर के गैलरी ऑप्शन होता है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो गैलरी में ये सारी चीजें खुल जाएंगे। आप यहाँ से भी इसे प्रेजेंट कर सकते हैं, साइड बार से भी, और यहाँ व्यू में जाकर के तो भी आप इसे वापस यहाँ से ला सकते हैं। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखेंगे नेविगेटर, नेविगेटर को भी आप यूज कर सकते हो, यहाँ से चाहे तो यहाँ से यूज कर लीजिए और यहाँ से चाहिए तो यहाँ यूज कर लीजिए। अब नेविगेटर का प्रयोग भी देख लीजिए कि जैसे अगर यहाँ पर हमारे पास एक पेज है, अगर ज्यादा पेजेस है तो एक पेज से दूसरे पेज में कैसे जाएं, तो कंट्रोल एंटर कर लेते हैं, एक पेज और बन जाएगा। अब देखेंगे कंट्रोल एंटर कर लिया और पेज बन गया, अब तीसरे पेज पर है तो हमने यहाँ पर लिख दिया थर्ड। अच्छा, अब पहले पेज पर जाना चाहते हैं तो ये नेविगेटर खुला हुआ है, यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पर पेज पर क्लिक कर दिया, पेज पर क्लिक कर दिया और आपसे पूछा जा रहा है कि कौन से पेज पर जाना चाहते हैं, तो यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट प्रीवियस दिया हुआ है, यहाँ पर देखेंगे टू नंबर के पेज पर जाना चाहते हैं। आपने टू नंबर जैसे ही सिलेक्ट किया तो आप टू नंबर के पेज पर दिखाई दे रहे हैं। कैसे पता चला, यहाँ पेज टू ऑफ सेवन लिखा हुआ है। हमने क्या किया, यहाँ पर क्लिक किया, देखेंगे थ्री पेज पर, तो थ्री पेज पर पहुंच गए। अब ऐसे ही चौथे पेज पर जाना चाहे चार नंबर के पेज पर पहुंच जाएंगे, ऐसे ही हम पहले नंबर के पेज पर जाना चाहते हैं तो पहले नंबर के पेज पर पहुंच जाएंगे। ऐसे ही इतने आइटम्स हो सकते हैं, जैसे हमारे पास क्या है, बहुत सारे फील्ड बने हुए हैं, फील्ड दिए गए हैं, तो एक फील्ड से दूसरे फील्ड पर और दूसरे फील्ड से पहले फील्ड पर जा सकते हैं, ठीक है ना। जैसे हमने यहाँ पर फील्ड का आइटम लिखा हुआ है, पहला फील्ड दूसरा फील्ड, ये देखेंगे पेज यहाँ पर आ जाएगा फील्ड, ठीक है ना। ऐसे ही कमेंट हो गया, कमेंट की बात करें तो कमेंट भी अगर मल्टीपल लगे हुए हैं तो कमेंट पर भी आप ऐसा कर सकते हैं। ऐसे ही जितनी भी चीजें, जैसे ऑटो शेप बना हुआ है, एक शेप बना हो, ये एक शेप बना हुआ है, ऐसे ही दूसरा शेप यहाँ पे इंसर्ट कर लिया, यहाँ पर देखेंगे ये शेप हमने इंसर्ट किया। अब इस शेप से इस शेप पे जाना चाहते हैं, यहाँ पे दो शेप यहाँ दिखाई देने लगे, और पहले सेप पे जाना है तो पहले सेप पे डबल क्लिक करेंगे तो पहले सेप पर होंगे, और दूसरे सेप पर क्लिक करेंगे तो दूसरे पर होंगे। नेविगेट करना का मतलब एक सेप से दूसरे सेप या एक जगह से दूसरी जगह जंप करना होता है, नेविगेट का मतलब ये होता है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे डाटा सोर्स। डाटा सोर्स जो होता है, यहाँ पर देखेंगे मैटर को सिलेक्ट करना होता है, ये ऑप्शन हमारे एक्सेल से जानते हैं, कैल्क में जाएंगे तो डेटा सोर्स का इस्तेमाल किया जाएगा, जहां पे आपके डेटा रखे हुए होंगे उन डेटा को यहां पर हम देख पाएंगे। यहां से इसको देखेंगे, शो करते हैं और हाइड करते हैं। आगे जब हमारा सॉफ्टवेयर कैल्क पढ़ेंगे तो वहां पर इसका डिस्कस करेंगे। देखेंगे कैल्क में चार्ट के बारे में भी हमें देखना है और यहाँ पे डेटा सोर्स के बारे में भी देखना है। डेटा सोर्स का शॉर्ट की पूछा जाता है तो वो आप याद करिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे फुल स्क्रीन है, फुल स्क्रीन का शॉर्ट की यहाँ पर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ये होता है, ये भी पूछा जाता है। विंडो को फुल स्क्रीन करके देखना है तो ऐसा देख सकते हैं, और फुल स्क्रीन यहाँ से फिनिश करना चाहता है तो फुल स्क्रीन फिनिश कर सकते हैं। जूम ऑप्शन होता है, जूम में देखेंगे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। जूम से भी क्वेश्चन पूछा गया है कि देखो भाई जूम में ये वाला परसेंटेज का साइज नहीं पाया जाता, जैसे 100, 150, 200 और फिर 250 भी रख दिया। अब आपसे पूछा जाता है कि जूम में जाने पर हमारे पास कौन सा साइज नहीं होता है, तो कौन सा साइज नहीं होता, तो 250% नहीं होता है। तो ऐसे हमको ये पढ़ना है और माइंड में हल्का सा सेट करके रखना है कि कौन पाया जाता है कौन नहीं पाया जाता, विजुअलाइज कौन है कौन नहीं। तो यहाँ पे 200% कर दिया तो जूमिंग देखेंगे 200% हो जाएगी। यहाँ से देखेंगे जूमिंग को यहाँ से भी आप मैनेज कर सकते हैं, और यहाँ पे जाना चाहें तो यहाँ से भी आप मैनेज करके, ठीक है, डन है। यहाँ तक समझ आ चुका है, व्यू मेनू बार नाउ फिनिश। फिर उसके बाद यहाँ इंसर्ट मेनू पे आ जाते हैं, इंसर्ट मेनू में देखेंगे क्या क्या चीजें होती है। इंसर्ट मेनू में सबसे पहले देखेंगे पेज ब्रेक होता है, हमने पेज ब्रेक को जो है वो फॉर्मेटिंग टूल से स्टैंडर्ड टूल में हमने कवर किया है। स्टैंडर्ड टूल में पहले से हम इसे देख चुके हैं, दोबारा से देख लेते हैं क्या होता है, ठीक है। यहाँ पर जैसे कोई भी कंटेंट है, नया पेज ले लेते हैं और यहाँ पर कुछ मैटर ले लेते हैं, दो पैराग्राफ है, दो पैराग्राफ में देखेंगे यहाँ पर ये एंटर किया, कंट्रोल एंटर कर लिया तो पैराग्राफ हमारा चेंज हो चुका है।
एक पैराग्राफ का मान लीजिए हमने यहाँ से स्टाइल थोड़ा सा डिफरेंट कर लिया, जिससे कि अलग अलग थोड़ा दिखाई पड़े, जिससे समझ में आए कि हाँ डेटा डिफरेंट डिफरेंट टाइप का था। यहाँ पर पहली स्टेटमेंट हो गई और दूसरी स्टेटमेंट हो गई, दो पैराग्राफ हमारे पास है। हम चाहते हैं कि ऐसा करना चाहते हैं कि एक स्टेटमेंट जो एक पैराग्राफ है वो इसी पेज पर रहे और फिर उसके बाद अगला स्टेटमेंट अगले पेज पर जा करके सेट हो जाए। तो हमें कहीं से भी लाइन ब्रेक करनी है तो ब्रेक करनी है तो शॉर्ट की भी होती है, कंट्रोल इंटर होता है, और अगर यहाँ पर कर्सर रख करके आप फिर एंटर प्रेस करोगे, यहाँ पर जा करके यूज करोगे, जैसे हमने यहाँ पर रखा और यहाँ पर जा करके ब्रेक पर क्लिक कर दिया। अब क्या हो गया कि जितना डेटा अलग करना था, देखेंगे हमने कर्सर यहाँ रखा और जैसे ही ब्रेक दिया तो हम वहां पर पहुंच गए अगले डेटा, मतलब अगला डेटा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब देखेंगे अगर हम चाहते हैं कि यहाँ से इसको ब्रेक कर दें, मतलब दो लाइन इसमें रहे बाकी डेटा जो है वो अगली लाइन में जाकर के ऐड हो जाए, तो उसके लिए हम यहाँ पर जाएंगे। यहाँ पर जाने के बाद ब्रेक पर जाएंगे और ब्रेक पर क्लिक करने के बाद ये चीज यहाँ दिखाई देगा, जिसमें कि देखेंगे अब हमारे पास तीन पेजेस हो गए, जिसमें पहला पेज ये देखेंगे दिखाई दे रहा है, दूसरा ये दिखाई दे रहा है और तीसरा ये दिखाई दे रहा है। ऐसे ही हम लाइनों को तोड़ करके अलग अलग पन्ने पर डिवाइड करना चाहें तो हम कर सकते हैं। अगला ऑप्शन होता है मोर ब्रेक। मोर ब्रेक में क्या होता है, जैसे यहां पर हमने क्लिक किया और एंटर प्रेस किया तो क्या हुआ, लाइन को तोड़ करके अगले लाइन में आकर के यहाँ पर टिक गया। फिर एंटर किया तो क्या हो गया, बीच में एक लाइन का गैप मिल गया, बीच में एक लाइन का गैप मिल गया। अब हमें क्या करना है कि देखो यहाँ पर वही चीज हमको यहाँ भी मिलता है। यहाँ पे मोर ब्रेक में जाएंगे, इंसर्ट मैनुअल रो और इंसर्ट कॉलम ब्रेक, दोनों का शॉर्ट की तैयार होना चाहिए, चाहे वो ट्रिपल सी वाले कैंडिडेट बैठे हों या ओ लेवल के कैंडिडेट बैठे हों, सबके लिए बराबर है कि आप क्या एग्जाम में लिब्रे ऑफिस से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। और अगर शॉर्ट की बात करें तो शॉर्ट की अपने आप में महानता रखती है और इससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं, ठीक है। तो इंसर्ट रो ब्रेक पर क्लिक करते हैं, अब देखेंगे जैसे हम एंटर करेंगे तो ऐसा दिखाई देता है, वैसा ही सेम इफेक्ट यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा। जैसे इस पर क्लिक करोगे तो ऐसा दिखाई देता है, आप एंटर से भी कर सकते हो, वहां जाकर के भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो जैसा आपको सही लगे वैसा आप यूज कर सकते हो। ऐसे ही कॉलम ब्रेक पर होगा, यहाँ जाकर के मोर ब्रेक में जाओगे और सारी सेटिंग मिल जाएगी, तो आप भी और भी चीजों को मैनेज कर सकते हो। इमेज की बात करें तो यहाँ पर इमेज देखेंगे, पहले से हम पढ़ चुके हैं इस सेगमेंट को, हमने यहाँ से देखा हुआ है। यहाँ पे जब पढ़ा है तो इमेज जैसे कि कोई बुक है, मैगजीन है, कुछ भी आप लिख रहे हो और बीच में वहां पर कहीं फोटो लगाने की बात हो जाती है, तो फोटो कम से कम फोटो लगा लो, सेट कर लो, फोटो को क्रॉप कर लो, थोड़ा बहुत ब्राइटनेस कंट्रास्ट एडजस्ट कर लो, इतना आना चाहिए और उतना ही ऑप्शन यहाँ दिया गया है। तो यहाँ पे जैसे हमको फोटो इंसर्ट करना है तो फोटो इंसर्ट करने के लिए सिंपली यहाँ जाना है और यहाँ इमेज ऑप्शन पर क्लिक करना है, इसमें से किसी भी फोटो को क्लिक कर लेना है, जिस फोटो को यहाँ पर आपको सेट करना है उस फोटो को क्लिक कर लीजिए। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर आपके सामने वो फोटो यहाँ पर दिखाई देगी। आप फोटो को जहाँ कहीं भी एडजस्ट करके सेट करना चाहें सेट कर लीजिए। सेट करने का सारा ऑप्शन ये पूरा टूल से हमने पढ़ाया हुआ है, एक एक करके सारे ऑप्शन बताए थे, ये आप फिर से एक बार चेक कर लीजिए और इससे रिलेटेड सारे ऑप्शन आपको पता चल जाएंगे, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ पर देखेंगे इमेज को हटाना है, राइट क्लिक करेंगे, देखेंगे इमेज यहाँ से कट कर देंगे। फिर उसके बाद इमेज के बाद चार्ट होता है। चार्ट के बारे में आपको बताया कि सिंपली कोई भी नंबर में डेटा हो और उसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना चाहते हैं तो चार्ट का इस्तेमाल करते हैं। इसके बारे में अभी मैंने बताया कि ये हम कैल्क में बताएंगे, चार्ट का पूरा परिवार है कैल्क में, 10 टाइप के चार्ट होते हैं, वो सब हम वहां पर पढ़ेंगे, कॉलम चार्ट, लाइन चार्ट, बार चार्ट, एरिया चार्ट, सब हम वहां पर पढ़ेंगे, ठीक है ना, क्लियर है, डन। मीडिया, मीडिया में आते हैं, मीडिया में देखेंगे गैलरी होता है और स्कैन होता है और ऑडियो और वीडियो होता है। गैलरी, स्कैन, ऑडियो और वीडियो। गैलरी में जाएंगे, जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे सामने गैलरी ऑप्शन खुल जाएगा, हम साइड बार से भी ओपन कर सकते हैं, व्यू से भी ओपन कर सकते हैं और यहाँ एक और विकल्प मिल गया कि यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, स्कैन में क्या होता है, स्कैन सोर्स होता है, अगर प्रिंटर या स्कैनर इसमें लगा हुआ है, कंप्यूटर में अगर स्कैनर लगा हुआ है तभी यह ऑप्शन काम करेगा। यहाँ स्कैन ऑप्शन होता है, जिससे कि डायरेक्ट स्कैनर में कोई भी डेटा रख करके उसे स्कैन करके हम अपने राइटर के इस पेज पर ला सकते हैं, इसके लिए होता है। चूंकि इसमें स्कैनर लगा नहीं है तो हम इसका प्रैक्टिकल आपको नहीं बता पाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पर देखेंगे ऑडियो और वीडियो होता है, अगर यहाँ पर आपको ऑडियो और वीडियो पेज पर लगाने की जरूरत पड़ जाती है
तो इसी से सपोर्टेड, मतलब जो इसमें सपोर्ट करेंगे वही वीडियो वही ऑडियो यहाँ शो करेंगे, और वो ऑडियो वीडियो प्ले भी होता है, ठीक है ना, मतलब वो चलता भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं चलता। यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ पर जा करके ऑडियो और वीडियो पर क्लिक करते हैं। जब यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देखेंगे यहाँ मान लीजिए ये वीडियोस है, और किसी भी वीडियो पर क्लिक कर दिया, देन ओपन कर दिया, यहाँ पर देखेंगे लिखा हुआ है द फॉर्मेट सेलेक्टेड, द फॉर्मेट लिखा हुआ है द फॉर्मेट ऑफ सिलेक्टेड फाइल इज नॉट सपोर्टेड। अब देखेंगे यहाँ वार्निंग के रूप में दिखाई दे रहा है कि भैया ये सपोर्ट नहीं करेगा, जो इस पर सपोर्ट करे उसे आप यहाँ पर ला करके लगा दीजिए, तो लग जाएगा। यहाँ पर ऑडियो वीडियो भी चलता रहेगा, मतलब म्यूजिक भी चलता रहेगा, एंटरटेनमेंट भी होता रहेगा बढ़िया, और बढ़िया आप काम भी करते रहोगे, ऐसा भी इसमें सुविधा दिया गया है। मतलब इन्होंने राइटर वालों ने थोड़ा सा आप लोगों के प्रति मतलब रियायत दिया है कि देखो भैया बहुत बढ़िया, एंटरटेनमेंट भी करते रहिए और पढ़ते भी रहिए, ठीक है ना। यहाँ तक देखेंगे हो चुका है। ओएलई ऑब्जेक्ट में जाते हैं, यहाँ से फॉर्मूला लिया जाएगा, यहाँ क्यूआर कोड और बार कोड बनाया जाएगा और अदर सॉफ्टवेयर में जाएंगे, ठीक है ना। ये पॉइंट हम कल पढ़ेंगे, आज तक इतना ही रहना है, ठीक है ना।